कुरुक्षेत्र के गांव डोडा खेड़ी के युवा राजीव कुमार की 10 जून को नहर में डूबने से मौत हो गई थी। मामले में परिजनों ने गांव के ही 3 अन्य युवाओं पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामले की जांच CIA से करवाने की मांग को लेकर परिजनों ने SP कार्यालय पर प्रदर्शन किया व SP को शिकायत सौंपी। डोडा खेड़ी निवासी राजकुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके बेटे को राजीव को 10 जून को गांव के ही प्रिंस सुरेंद्र व अभिषेक घर से बुलाकर ले गए थे, जिसको साथ ले जाते हुए इसके भाई सतेंद्र और बेटी नेहा ने भी देखा था। जब वे गांव दबखेड़ी में काम कर रहा था तो सरपंच का फोन आया कि उसका बेटा नहर में डूब गया है। राजकुमार ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार चक्कर काटने के बाद भी थाना सदर पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों लड़कों ने उसके बेटे को नहर में डुबोया है। उन्होंने यह भी मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच CIA को सौंपी जाए, जिससे उनके परिवार को इंसाफ मिल सके। जब SHO सूरज चावला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने मामला दर्ज कर लिया है, जो लड़के राजीव के साथ थे उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। जैसे ही जाँच में कुछ सामने आएगा वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें कि ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, भाखड़ा नहर में दिन प्रतिदिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसा मामला हुआ था, जो रोबिन नाम का लड़का नहर में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, वो भी नहर में गुम हो गया था। उस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है। प्रशासन को इन मामलों पर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। मेरे लड़के को जी घर से ले गए 3 लड़के, प्रिंस, अभिषेक, टेकचंद, और ले जाके नहर में धक्का दे दिया और आप वहाँ से भाग गए। तो कब की बात है जी ये? 10/6/2019। तो आपकी क्या मांग है? आप यहाँ पे खड़े हो? मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए जी। मेरा एक ही बच्चा था और वो भी इन्होंने मार दिया जी, और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जब तक संस्कार नहीं होता जब तक तो उन्होंने पकड़ के रखा, फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया बिना पूछताछ के। टेकचंद और पुलिस और मेरे बच्चे को घर से बिठा के ले गए नदी पे ले जाके। मेरे बच्चे को साफ चाहिए। अच्छा जी, तो ये कब की बात है? 10 तारीख। तो पुलिस को कार्रवाई नहीं की इसके ऊपर? ना, कुछ कार्रवाई नहीं की। तो आप क्या चाहते हो? अब हम साफ चाहते हैं। तो राजकुमार नाम व्यक्ति आरोप डोडा खेड़ी था, उसने एक अपने बच्चे की मिसिंग होने की दरखास्त दी थी, जिस पर पर्चा उसी दिन दर्ज कर दिया गया था। जो बाद में जाँच में सामने आया कि 4 लड़के जो 3 डोडा खेड़ी के थे जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, और एक करनाल से एक लड़का था जो यहाँ रिश्तेदारी में आया हुआ था डोडा खेड़ी, तो वो भी इन्हीं की उम्र का है, 16-17 साल का। तो ये नहाने के लिए वहाँ पंचगावा नहर के पास भाखड़ा नहर में नहाने के लिए गए हुए थे, जिनमें से एक लड़का राजीव वहाँ डूब गया था, जिसको वहाँ मौके पर डबखेड़ी के 2 लड़के जो नरेगा में काम करते हैं उन्होंने बचाने की कोशिश करी, जिनमें एक का नाम साहिल है, उसने बहुत कोशिश करी बचाने की इस लड़के को, लेकिन वो उससे बचा नहीं पाया और वो पानी में डूब गया। तो उन लड़कों के बयान लिखे गए हैं, और कोई नई बात सामने आएगी तो उसकी जांच अलग से की जाएगी।